टेस्टी मसालेदार माउथ वाटरिंग पिकल, वो भी हेल्दी आमले का। है ना मजेदार, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी इतना ही टेस्टी है। हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी ट्विस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही हेल्दी पिकल आमले का अचार की रेसिपी लेके आई हूँ मैं आपके लिए, जो कि बहुत ही टेस्टी है और जिसको हम साल भर चला भी सकते हैं, जब आपका मन करे निकालें और खाएं। तो ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो इसको हम साल भर कैसे रख सकते हैं, इस अचार को इस तरह से डालना है कि इसको हम साल भर चला सकें। तो आइए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है आमले के अचार को। आमला हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये आयरन रिच होता है, इसमें विटामिन सी होता है, ये आँखों के लिए, बालों के लिए, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो कहने का मतलब कि ये आयरन रिच होता है, जैसे इसमें विटामिन सी भी होता है, ए भी होता है, आँखों के लिए भी अच्छा होता है, तो ये ज़रूर खाना चाहिए, थोड़ा सा अपने फूड में इसको लेना ज़रूरी है। तो ये इसी फॉर्म में हम नहीं खा सकते क्योंकि बहुत खट्टा होता है। तो इसको हम अचार की पिकल की फॉर्म में देंगे कि जिससे हमें टेस्टी भी लगे और हम इसको खा भी सकें। इससे पहले भी मैंने आमले के अचार की रेसिपी डाली है, जो कि इंस्टेंट पिकल हम मिनटों में तैयार करते हैं और वो ज़्यादा दिन हम नहीं चला सकते। तो आज मैं आमले का अचार इस तरीके से बनाऊंगी कि इसको हम सालों तक रख सकते हैं, जैसे कि हम आम का अचार, नींबू का अचार डालते हैं, वैसे ही इस अचार को इस तरह से डालेंगे कि इसको हम साल भर रख सकते हैं और इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर आप उसमें कोई मॉइस्चर ना आने दें तो। तो ये मैंने आमले लिए, आधा किलो के करीब मेरे आमले हैं। ये आमला मैंने छोटा ही लिया है तो इसको मैं काटूंगी नहीं, बड़ा आमला हो तो आप इसको स्लाइसेस में काट सकते हैं, तो मैं इसको काटूंगी नहीं, मैं इसको ऐसे ही साबुती इसका अचार डालूंगी। तो सबसे पहले मैं इनको मैंने धो करके सुखा लिया अच्छी तरह से, मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अब मैं इसको नमक और हल्दी लगाकर इसको एक बाउल में डालकर रख देती हूँ। ये मैंने सारे आमले बाउल में डाल लिए, इसमें मैं अब एक चम्मच खाने वाला हल्दी का डाल देती हूँ। आधा किलो के करीब मेरे आमले हैं और दो चम्मच मैं इसमें नमक के डाल देती हूँ। ये खाने वाले चम्मच लिए हैं मैंने, तो इसको अच्छी तरह से हिला करके मिक्स करके नमक मिर्च को, इसको हम ढक करके रख देते हैं। एक दिन के लिए हम इसको ढक के रख देते हैं, बीच में हम एक दो बार इसको हिला लेंगे ताकि नमक अच्छी तरह से सारे आमले पर लग जाए। एक दिन हो चुके हैं, अब ये हम अपने आमले खोल लेते हैं, ढक्कन उठाकर हम देखते हैं। तो ये देखिए आमले पानी छोड़ चुके हैं, कितना पानी नीचे आया। इसको आप प्लेट में भी सुखा सकते थे, प्लेट में भी डाल के रख सकते थे, लेकिन मैंने इसको बाउल में इसलिए रखा ताकि ये पानी नीचे छोड़ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको एक प्लेट में निकाल कर और इसको 5 से 6 घंटे तक धूप में सुखा लेते हैं। ये इसको मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। आप अगर आपके पास धूप अवेलेबल है तो आप धूप में सुखा लीजिए, नहीं तो पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं, बस हमें तो सूखने से मतलब है इसका। 5-6 घंटे जितनी देर में ये सूख जाए उतनी देर आप इसको सुखा लें अच्छी तरह से। अब इसको 5 से 6 घंटे तक हम इसे अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, फिर हम अचार बनाएंगे इनका। ये आमले पूरी तरह से सूख चुके हैं, अब हम इनका अचार डालते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ मसाले लिए जिन्हें हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 खाने वाले चम्मच मेथी दाने के लिए और 2 ही चम्मच मैंने सौंफ के लिए, 1/2 चम्मच मैंने कलौंजी का लिए, 1/2 चम्मच मैंने अजवाइन लिए, 2 चम्मच यही खाने वाले मैंने सूखा धनिया के सीड्स लिए, 2 मैंने साबुत लाल मिर्च लिए और ये 2 चम्मच ही मैंने जीरा लिए और ये दालचीनी लिए 2 टुकड़े, तो और नमक मिर्च जो भी डालना होगा ऊपर से वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी।
अब ये सारे मसाले हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिए, इसको हमने गरम कर लिया और अब हम इसमें डाल देते हैं मेथी। दो मिनट बाद अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा। इसको भी हम एक से डेढ़ मिनट तक रोस्ट कर लेते हैं। साथ ही हम डाल देते हैं ये धनिया के सीड्स और दालचीनी। अब ये डाल देंगे हम लाल मिर्च और सौंफ। एक मिनट तक इनको इसी तरह से रोस्ट करते हुए अब हम इसमें अजवाइन और ये कलौंजी भी डाल देंगे। सारे मसाले हमने अच्छी तरह से भून लेने, रोस्ट कर लेने, इनमें से अच्छी सी फ्लेवर आनी शुरू हो गई है। अब ये अच्छी तरह से भून चुके हैं, बस इतना ही हमने इनको रोस्ट करना है कि इनमें से मॉइस्चर निकल जाए, मॉइस्चर ना रहे, ताकि हम अचार को हम सालों साल चला सकें। तो ये हमारे मसाले रोस्ट हो चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सारे मसालों को थोड़ा ठंडा करके मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। दरदरा सा पीसने हमने इनको, ये मसाला हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मसाला हमने दरदरा सा पीस लिया। तो आइए अब हम अचार बनाते हैं। ये आंवले सारे मैंने एक बाउल में डाल लिए है। इसमें मैं 1.5 चम्मच खाने वाला नमक डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला है, ये थोड़े खट्टे होते हैं इसलिए नमक थोड़ा तेज पड़ता है, बट हमने पहले भी नमक लगाया तो 1.5 चम्मच मैंने इसमें नमक का डाल दिया। और आधे से थोड़ा कम चम्मच में काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और आधा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर का डाल रही हूँ। 1/4 चम्मच में हल्दी पाउडर का डाल रही हूँ, हल्दी लगी भी पड़ी है, पहले हमने डाली थी। अब ये आधी कटोरी के करीब मैंने सरसों का तेल लिया है, ये डाल देते हैं। ये मैंने आधी कटोरी ली है, अगर आपकी कटोरी बड़ी या छोटी हो तो इतने आंवले में आप थोड़ा तेल कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो हम देख लेंगे डालकर। और अब इसमें मैं जो मैंने मसाले दरदरे से पीस कर लिए है वो सब डाल देती हूँ। अब इनको अच्छी तरह से हिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं इनको। अगर हमें लगेगा तो हम तेल और डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 10 से 12 दिन तक इसको धूप लगवा लिया है आंवले के अचार को। अभी भी इसको 4-5 दिन और धूप में मैं रखूंगी। थोड़ा सा ये हार्ड है लेकिन काफ़ी हद तक ये सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि आंवले थोड़े हार्ड होते हैं तो इनको बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप भी इस टेस्टी एंड डिलीशियस अचार को बनाने की कोशिश करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें बने रहिए टेस्टी ट्विस्ट के साथ। टेस्ट आपका और आइडिया मेरा। धन्यवाद।